नोटबंदी के हुए एक महीना हो चुका है और इस दौरान हमारा इंडिया कितना कंजूस हो गया है ये सब जानेंगे। इस दौरान कितनी सेविंग्स हुई या हाथ में कैश ही नहीं रहा तो सेव क्या करते, ये सब हम फैक्ट्स जानेंगे। और यही जानने के लिए हमारे साथ है संजीव चौहान जी का परिवार। दो बेटे हैं परिवार में, पत्नी है, जानते हैं किस तरह से अपने खर्चों को मैनेज कर रहे हैं। आइए जानते हैं। संजीव जी, जानना चाहूंगी इस नोटबंदी के दौरान किस तरह से अब सब कुछ मैनेज हो रहा है, क्या कंजूसी अब चल रही है? मैडम, 30-40% खर्चे कम हो गए हैं और मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो एटीएम या क्रेडिट कार्ड से हम लोग कर रहे हैं, और कैश जो हम एटीएम वगैरह से निकालते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो साथ हाथ में रहे, क्योंकि एटीएम 2000 रुपये एक बार में हमें देता है, तो हम अगले 2000 लेने तक उनको खर्च ना हो ये सोच के अपने पास में रखते हैं। अदरवाइज प्लास्टिक मनी का भरपूर यूज़ हो रहा है। पहले इतनी सेविंग हो पाती थी? सेविंग तो पहले भी हो पाती थी लेकिन अब थोड़ा सा और थोड़ी सी बढ़ गई है। लग रहा है मतलब ये कंजूसी है या सेविंग है, खुश है? कंजूसी, कंजूसी कह सकते हैं। अच्छा, पहले आप जब मंथली आप कहीं बाहर वैसे घूमने जाते थे? हाँ, मंथली क्या, कभी कभी वीकली भी चले जाते थे। अच्छा। लेकिन वो सब पे तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अच्छा, बाहर की वो वन डे आउटिंग वगैरह वो बंद हो गई है, लेकिन जैसे शॉपिंग के लिए जाना है या रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना है, कभी मन करता है आपका, मन करा नहीं खाना बनाना आज तो बाहर से मंगवा लो, वो सब हो रहा है पहले की तरह? नहीं, नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है कि नहीं बनाना है लेकिन फिर चाहे भी नहीं मंगवा पा रहे हैं इस समय। बचत तो आपकी वाकई में बहुत हो रही है, कटौती हो रही है, घूमना फिरना कम हो रहा है। सहमत है, मतलब सेटिस्फाइड है सिचुएशन? नोटबंदी से सहमत है। अगर देश का कुछ भला हो रहा है, पब्लिक का कुछ भला होगा इससे, तो और 20-25 दिन की बात है तो हम लोग सहमत हैं।